everyone, welcome back to my channel. Subscribe it and press the bell icon to stay connected. आज हम बनाएंगे ओरियो मग केक या फिर मग कुकीज. एगलेस बनाएंगे विदाउट कर्ड विदाउट ओवन. तो मग कुकी या फिर मग केक दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनाएंगे. टू वे में बनाएंगे. एक बनाएंगे ओरियो चॉकलेट और दूसरा बनाएंगे चोको कुकीज. दोनों ही बहुत ही टेस्टी बनने वाली है. तो चलिए बनाना शुरू करते हैं. एक कढ़ाई ले लेंगे. 500 ग्राम हम यहाँ पे सॉल्ट डालेंगे. आप प्रेशर कुकर भी ले सकते हो. सॉल्ट को फैला देंगे. अंदर स्टैंड डालेंगे और ढक्कन डाल के इसे हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे प्री हीट करेंगे. इस सॉल्ट को आप फेंकना मत, बाद में हम रीयूज करेंगे या फिर इसे आप खा भी सकते हो. एक मग में डालेंगे 1 टीस्पून शुगर और 1 टीस्पून बटर. रूम टेम्परेचर वाला है. इसे मिक्स करेंगे. एक ओरियो बिस्किट का पैकेट डालेंगे. बिस्किट को तोड़ के डालेंगे. 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर वाला मिल्क डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे. अगर मिल्क की जरूरत पड़ेगी बाद में थोड़ा सा और डाल दीजिएगा. देखिए ऐसी थिक कंसिस्टेंसी होगी बैटर की. 1 पिंच यहाँ पे हम डालेंगे बेकिंग पाउडर. आप बेकिंग सोडा या फिर इनो भी डाल सकते हो. इसके अलावा ऊपर से डेकोरेशन के लिए मैं एक ओरियो कुकी और थोड़ा सा चॉकलेट बॉल डाल रही हूँ. ये टोटली ऑप्शनल है. अब बना लेते हैं दूसरा वाला बैटर. यहाँ पे एक मग में डालेंगे 2 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून रूम टेम्परेचर बटर, 3 टेबलस्पून मिल्क डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम मैदा. 4 टेबलस्पून मैदा है. अब इसे मिक्स करेंगे. देखिए कंसिस्टेंसी ऐसी थिक होनी चाहिए बैटर की. 2 ड्रॉप डालेंगे विनेगर. विनेगर आप स्किप कर सकते हो. 1 पिंच डालेंगे बेकिंग पाउडर. आप इसके जगह बेकिंग सोडा या फिर इनो यूज कर सकते हो. थोड़ा सा मैंने चॉकलेट डाल दिया काट के. आप चोको चिप भी डाल सकते हो. ऊपर से मैंने चॉकलेट बॉल डाला है. आप यहाँ पे चोको चिप डाल सकते हो. तो हमारे दोनों बैटर ही बन के बिल्कुल रेडी है. अब इन्हें बेक करेंगे. इन्हें बेक होने में ऑलमोस्ट 20 मिनट तो लगेंगे. स्टैंड के ऊपर एक स्टील का प्लेट रखेंगे. ऊपर मग रख देंगे. इसे ढक के पकाएंगे हम 20 मिनट के लिए. पहले 5 मिनट हमें एकदम हाई फ्लेम पे रखना है गैस को. फिर बाकी 15 मिनट हम रखेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे. हम 15 मिनट के बाद ही इसे चेक करेंगे. मिडिल में टूथपिक या फिर चाकू डाल के देखेंगे. अगर क्लीन निकलता है तो इसका मतलब हमारा केक बनके रेडी है. तो देखिए हमारे दोनों मग केक बनके बिल्कुल रेडी है. आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.